हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11/11, जिसका कि लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, और उसको जाकर के देखिए। हमने वहाँ पे मूलाधार चक्र के लिए आज डाला हुआ है, ठीक है। हम एक चक्रा पे एक 7.5 चक्रा के ऊपर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो दिन में 2 बजे वो रीडिंग आएगी। तो आज का जो चक्रा का था वो मूलाधार चक्र रूट चक्रा है, उसके बारे में है पूरा, तो डिटेल वहाँ जा कर के देख लीजिए कि जब रूट चक्र आपका इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, इम्बैलेंस हो क्यों जाता है, और जब आप हील कर लेते हो तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं आपको, सारी चीज़ें और कैसे हील करना है सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, मनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, मटेरियलिस्टिक मनी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है किसी की यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, मैरिज, मनी, मटेरियलिस्टिक एंड मैरिज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, फ्लड, मनी, मटेरियलिस्टिक, मैरिज, कर्मा एंड फ्लड, ठीक है। लव यू, लव यू, बॉटम में कोई किसी से कह रहा है कि प्यार करते हैं, देखें भाई, पर अप्रोच तो यहाँ तो नहीं दिख रहा, बीच में मैरिज का कार्ड है, बाकी इधर उधर तो सब फालतू की चीज़ें ही हैं। चलिए टैरो से देखते हैं। रीडिंग को जब देखा करें तो तटस्थ होकर के देखा करें, ठीक है, न्यूट्रल होकर के एकदम, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत डाला करो, नहीं तो हम आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताएं, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। कल की रीडिंग काफ़ी लंबी थी तो मैं ट्राई करूंगी कि आज की रीडिंग थोड़ी छोटी रहे, ठीक है, बट मुझे लगता नहीं क्योंकि मेरी रीडिंग कभी छोटी नहीं होती। प्लीज़ डिवाइन, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ बाबा जी जल्दी जल्दी क्लैरिफाई कर दो मजिशियन को। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके पर्सन किसी को। मैं जोडेक साइन बता देती हूँ, मजिशियन आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और इसको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, हम बता चुकी हूँ मैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी है, तो सभी साइन यहाँ पे हैं। आपके पर्सन किसी को एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं कुछ बैलेंस करना बाकी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ इनको बैलेंस करना है,
और इस वजह से इनका जो ऑफर है वो रुका हुआ है, लेकिन इस ऑफर को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो डिले इनका हो रहा है उसमें ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं। सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी में, देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं एक्शन लेना चाहते हैं तेजी से, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को, मैं रिपीट करूँगी कार्ड को, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके हाथ में पैसा आ जाए उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये किसी को ऑफर देना चाहते हैं जिसमें डिले हो रहा है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हुआ है कहीं पे, कोई विश इनकी पूरी होने वाली है, ठीक है, जिस विश की वजह से इनका हो सकता है किसी के साथ या तो रिश्ता शादी वाली बात टूट गई है या शादी करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, मतलब शादी का सपना टूट गया है या तो, या शादी टूट रही है या टूट जाएगी, कुछ ऐसा है, फेल मैरिज कहीं फेल हो रही है उसको लेकर के किसी को स्टॉक कर रहे हैं और इनकी कोई विश पूरी होने वाली है जो नाइन ऑफ कप्स उसके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है अपनी जॉब रिलेटेड देख रहे हों, तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे, एक तो इनकी कोई विश पूरी होने वाली है जिसको ये जिसके लिए सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं कोई रिश्ता टूट रहा है उसके लिए भी, ठीक है। किसी का वेट कर रहे हैं, ये मनी पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने की वजह से, ना होने की वजह से ही इनकी मैरिज टूट रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, किसी की तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये कन्फ्यूज्ड हैं, अभी थोड़े से रुके हुए हैं, ठीक है, रुक के बैठे हुए हैं। नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फाइट बैक करने पड़ेगा यहाँ पे, ये एनर्जी हो सकता है जो क्वीन ऑफ वेंड्स है ये इसी के साथ झगड़ा हो रखा हो इनका, तो उसी इंसान से इनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, ये भी चीज़ है, बट ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बट उसकी तरफ जाना चाहते हैं ऐसा ज़रूर है, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंड्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये, उसके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसे अपनी दुनिया मानते हैं ये, और उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत है किसी के लिए इस वक्त इनके मन में, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है या कर रही है, और जो सेल्फ लव अच्छी पावर पोजिशन हो सकती है, तो इनका अट्रैक्शन है किसी के साथ, लेकिन प्यार भी है इन्हें उस इंसान से, ठीक है, ये उसके साथ, उसके अगर दूर रहते हैं तो उसके पास जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके साथ दुनिया में घूमना चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, ठीक है, कहीं अगर कहीं किसी और कंट्रीज़ में रहते हैं या कहीं पे भी ऐसा है जहाँ पे से इन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा वाटर बॉडी के थ्रू, तो ये करना चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बट इन्हें पता है कि इन्हें फाइट बैक करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, किसी को इन्हें स्टेबल ऑफर करना है, क्वीन ऑफ वेंड्स ही इनके माइंड में है, किसी के लिए अट्रैक्शन जिसके लिए उसी के साथ में, द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है किसी के साथ शेयर करते हैं, मैरिज किसी के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है, हो सकता है इनके पास मैरिज के दो ऑफर हो सकते हैं, या तो ये ऑलरेडी अगर मैरिड है तो कहीं दूसरी जगह मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या कहीं एक जगह पे ऐसी मैरिज है जहाँ से जो हैप्पी अबंडेंट मैरिज है, जहाँ से इनको पैसा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और एक तरफ कोई इनका सोल कनेक्शन हो सकता है कि ऑलरेडी कहीं मैरिड है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने या तो छुपके मैरिज किया हुआ है या ऑलरेडी ये है ही मैरिड, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम फर्स्ट हाफ में आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, और सेकंड हाफ में हम आपके लिए देखते हैं, तो अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे ये किसी के साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो सकती है, किसी के साथ ये पहले से हो रखी है बट पैसे के लिए किसी और से साथ मैरिज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, या वाइस वर्सा एनर्जी है इनकी यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी को एक ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को ऑफर करना चाहते हैं या किसी से कोई मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, बट शायद वो मिल नहीं रहा है, इस वजह से इनको क्या हो रहा है, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्हें किसी ने मतलब बैक स्टेप किया है, धोखा दे दिया है किसी ने, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, या फिर पास्ट में इन्होंने खुद ही धोखा दिया हो, तो वहाँ पे एनर्जी ये है कि इन्हें अब बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने खुद ही किसी के प्रपोजल को ठुकराया हो, ठीक है, अपने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ढूंढे हो, इन्होंने किसी को चीट किया है, तो वो इनके माइंड में चल रहा है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। लियो की एनर्जी है, सिंह राशि, बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर जुटाते हुए नजर आ रहे हैं, इनको स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट है इन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बेचैनी है इनको, चैरियट एक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही है, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जहाँ ये उधर बढ़ना चाहते हैं, जो इनकी तरफ जो सही हो, ठीक है। अब सही कौन है ये खुद ही तय करेंगे। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है उसकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए इमोशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन है, हो सकता है किसी क्वीन ऑफ वेंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन किसी क्वीन ऑफ कप्स को ये मिस कर रहे हैं और उसकी यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगा, अभी हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन निकल के आती है, क्योंकि एक तरफ क्वीन ऑफ वेंड्स, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, दो एनर्जी तो आ गई यहाँ पे। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये उसकी यादों से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगा कि इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे, जिसके साथ रिश्ता खत्म करके गए थे तो वहाँ पे वापस फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए इसकी यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसको अपनी तरफ आने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जिंदगी की यहाँ सब कुछ खत्म करके कहीं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ऑफर देना है बट अभी फिलहाल रुके हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है किसी रिश्ते में या तो यही शुरुआत नहीं कर ली जाए या यहाँ रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हैंगमैन की सिचुएशन है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं बट स्टक हैं अभी, ये कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें, कभी लगता है कि नहीं आगे बढ़े, ठीक है। कोई ना कोई इनके पास एक दूसरा ऑफर जरूर है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी मुझे ज़्यादातर वहाँ दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, ठीक है, जहाँ से इनको मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ऐसे तरफ जाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही, एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी इस वक्त, और ये आपको लेकर के ही है इनकी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है किसी अपने को खो दिया है यहाँ पे, इस तरीके की एनर्जी है, मतलब ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं अपना, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ईगो में रहते हैं, इनका ऐसा भी है, ठीक है, ये सब कुछ देख रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन है, एक तरफ ट्रेडिशनल वे में ऑलरेडी मैरिज या तो कर चुके हैं, दूसरी तरफ करने जा रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ऑफर तो है इनके पास दो, देखते हैं आप किस कैटेगरी में आते हो। एक तरफ पैसे के लिए, एक तरफ एक कनेक्शन फील होता है इनको, इसलिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसी के मैसेज का वेट हो रहा है या मैसेज कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, आप कर रहे हो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, फिर से हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। दो सिचुएशन हैं, सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, टावर मूवमेंट यहाँ पे है, चीज़ों को ख़त्म करना है, टावर आया है भाई, टावर आपके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या सीक्रेटली ये प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करना है। टेम्परेंस की भी एनर्जी है और एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है भाई, दोनों एनर्जी पिक हो गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। अब आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह से डील करना चाहते हैं, ये थोड़े से सीक्रेटिव हैं, अपनी चीज़ों को बता नहीं रहे, किसी तरीके का कर्मा इनको मिला है यहाँ पे, ये भी चीज़ है, जीत हासिल करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनकी दोनों थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये या तो अलग अलग ग्रुप लोगों के लिए होगी कि आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, जहाँ स्पेशली अगर आप लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन जहाँ आप कॉन्टैक्ट में हो तो आपके लिए एक ट्रिगर है कि यहाँ पे आपके साथ एक ट्रावर आ सकता है। दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि इनके मन में दोनों थॉट चल रहे हैं, ये डिसाइसिव अभी जैसे मैंने बोला नहीं है,
इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे कोई प्यार जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इन्होंने अपने इमोशंस को आपके लिए क्लोज ऑफ किया, मतलब कंट्रोल किया हुआ है अपने इमोशंस को। इमोशंस हैं बट इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं ये, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं ये, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही रहेगा, कि आपके साथ हीलिंग करना, आपके साथ वापस से पैचअप करना ठीक रहेगा, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना ठीक रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। चलिए हम देखते हैं क्लैरिफाई करके, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। जीतना चाहते हैं ये आपको, ठीक है। बहुत झुकने वाले मूड में नहीं है आपके सामने, अगर गलती भी की है तो भी ये बहुत झुकना नहीं चाहते हैं, ये अपनी कंट्रोल अपना ही रखना चाहते हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, मुझे वही एनर्जी फील हो रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपना प्यार तो खत्म कर दिया है, प्यार तो अब आप इन्हें करते हो नहीं, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये मूव ऑन करने के मूड में है। या तो ये आपसे चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे हीलिंग कर रहा हूँ, आप लोग बैठ के आराम से बात कर लेते हैं, वापस से पैचअप कर लेते हैं, फिर से मुझे प्यार मोहब्बत दो पहले की तरह, तो हम लोग सुकून से रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नहीं तो मेरे को सुकून चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर तुम बाढ़ में जाओ, हम आगे बढ़ रहे हैं तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्यार व्यार तो तुम हमें कर नहीं रहे हो, तो हम किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा हमें अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए। मैक्सिमम 80% एनर्जी यही है कि तुम ही मान जाओ, फिर से वापस सही हो जाओ, फिर से रिश्ते को ठीक कर लेते हैं और चीज़ों में सुकून लेकर के आते हैं, सुकून से रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके माइंड में फिर ये भी चल रहा है कि अगर नहीं है प्यार खो दिया, अगर नहीं बात करोगे, नहीं प्यार करोगे हमें वापस, तो हम आगे भी बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऑप्शन इन्होंने अपने ओपन करके रखे हुए हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दिया, टेम्परेंस को कर लिया था मैंने, याद नहीं आ रहा, मैं दोबारा कर देती हूँ। चलो टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दिया, मुझे लग रहा है किया नहीं था मैंने। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ठीक है। वही सेम एनर्जी है इनकी कि ये चाह रहे हैं कि मतलब उन्हें सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे तुम दो चाहे तुम्हारे बगैर मिले, ठीक है। ये यही चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चलो कलेश खत्म करते हैं, हम लोग मिलके फिर से बात कर लेते हैं और वापस से चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये कहें कि चलो यहाँ से दूर चलते हैं, कहीं कहीं सुकून से रहते हैं चल के, जहाँ कोई ना हो, ठीक है। एक सॉन्ग है कोई ऐसा ही, कौन सा सॉन्ग है, नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, सॉन्ग तो याद आया नहीं मेरे को, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि सुकून आए पहले ज़िंदगी में, पैसा आए इनकी ज़िंदगी में, वेटिंग एनर्जी है, उसके बाद ही ये स्टैंड लेंगे। आपकी तरफ से क्लैरिटी मिले कि आप इन्हें प्यार करते हो कि नहीं, दूसरी तरफ पैसा भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, फिर ये आपके लिए सुकून से रहेंगे और तभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, तब तक यही है कि कोई कलेश मत करो। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें ये इन्होंने इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इन्होंने इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार भी खो दिया है, इसके साथ साथ इन्होंने आपको भी खो दिया और आप इनको बहुत अजीज थे, लेकिन ये इसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। ये आपको भी नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को भी नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है, बट दिल से इनको ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है, उनको बहुत दुख है और ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो इनके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आप मतलब आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपको छोड़ना है, आपसे दूर जाना है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसे कांटेक्ट में हैं तो भी इनको ऐसा लग रहा है तो ये आपको बता नहीं रहे हैं, पर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करना है। यहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है आप लोगों के केस में, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हो उनके लिए टावर मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बाकी जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए टावर ऐसा है कि वापस से पैचअप, मतलब आपका तो टावर चल ही रहा है, तो टावर का टावर मतलब वापस से पैचअप होने के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की एनर्जी है, तो आप अपने हिसाब से लेना कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपको टावर मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी टावर झेल चुके हैं तो यहाँ पे एक पैचअप आप लोगों के लिए वापस आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपके प्यार जब से इनकी ज़िंदगी से चला गया है तब से इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई बहुत खास अपना चला गया है, ये एनर्जी है इनकी।
टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अच्छा, इन बातों को ये बता नहीं रहे कि आपके साथ, ज्यादातर लोगों को ये बता नहीं रहे कि आपके साथ इनका रिश्ता खत्म हो गया है। टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़े पास्ट में आप लोगों के हुए हैं वहाँ पे, तो ये दोनों ही चीज़ें जैसे मैंने बोला देख रहे हैं कि गुड एंड बैड, मतलब कुछ भी, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ों के लूप होल्स हैं वो भी, उनको बेनिफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, सब चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से ये सब चीज़ों को, ये जैसे मैंने बोला कि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बट अभी आप लोग सेपरेट नहीं हुए हो तो ये सेपरेट करना चाहते हैं, बिकॉज इस लड़ाई झगड़े को ये एंड करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, टावर आ रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि किस चीज़ पर लड़ाई हुई थी, कैसे चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये अपने फाइनेंसिस को पहले ठीक करना चाहते हैं, फाइनेंसिस को ठीक करने के बाद फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको एक वाइफ मटेरियल देखते हैं या ऑलरेडी आप इनके वाइफ हो सकते हो। ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन रहे हो, आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी आ गई यहाँ पे आपको लेकर के, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास जो है ना बहुत सारा पैसा है और आप बहुत प्यारे इंसान हो, काइंड हार्टेड इंसान हो, तो ये जरा सा रोते धोते हैं, ड्रामा फैलाते हैं और आप इनको दे भी देते हो, आप इस तरीके से आपको ये देख रहे हैं, क्योंकि और आपको लॉयल भी मानते हैं कि आप एक लॉयल कमिटेड पर्सन भी रहे हो, आपको पैसा बनाना भी आता है, ऑलरेडी आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको ढेर सारा पैसा वैसे ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट पूरी कर सकते हो पूरी, ठीक है, सारी विशेज आपने हो सकता है पास्ट में इनकी पूरी की है, तो इनका इसका बर्डन भी है इनको, ठीक है। अगर इन्होंने आपने इनकी विशेज पूरी की हैं तो ये एक्चुअली अब एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं और ये न्याय करना चाहते हैं, अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आपका अगर इन्होंने आपको दिया है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने आपने ही ने दिया और ये मान भी रहे हैं क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे और आपने इनकी सारी विशेज को पूरा किया है तो अब इनके ऊपर एक बर्डन है, बोझ है, ये उन विशेज जो आपने इनकी पूरी की है एक्चुअली उसका बर्डन नहीं झेल पा रहे, ये चाहते हैं कि आपको रिवर्ट बैक करें, वो जो आपने इनके लिए किया है ये वापस आपके साथ करना चाहते हैं ताकि ये बोझा इनके सर से उतर बेवजह मेरा गला खराब हो रहा है यार, किसी का थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस है, किसका है भाई, मूलाधार चक्र वाला वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, कर्मा मांग रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जो भी विशेज आपने इनकी पूरी की हैं ये आपको विश पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपने इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ा है तो इनको बहुत ज़्यादा दुख है, फाइव फाइव की एनर्जी एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अब आपको वो सब कुछ लौटाना चाहते हैं जो आपने इन्हें दिया था, बट अभी फ़िलहाल इनकी कंडीशन वैसी नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है जो ये आपको वो सब कुछ दे सकें, ठीक है, और इनको रिग्रेट है कि आपने इनको छोड़ दिया है, खाली जो अकेला छोड़ दिया है, और ये अपनी अब गलती को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, ये आइसोलेट होकर के अकेले होकर के अपनी गलती को रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेरे से गलती हुई या आपकी गलती थी या थर्ड पार्टी की गलती थी, तो ये इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों हुआ ये सब कुछ, ठीक है, इस तरीके की नौबत क्यों आई कि आपने इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया और आज आपने इनका प्यार, इन्होंने आपका प्यार भी खो दिया है। वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस पहले फाइनेंशियल वाइज चाहते हैं कि पहले फाइनेंशियल वाइज इनकी सक्सेस बढ़िया आए, इसके बाद ही आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। प्यार भरा कप ऑफर करने के बाद आपसे हो सकता है कोई प्रणय निवेदन ये कर सकते हैं कि इनका फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहें, इस तरीके की भी इनकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये यही चाहते हैं कि पहले आपको, पहले ये स्टेबल हो जाएं, आपका प्यार भी जीत लें, इसके अलावा फाइनेंसिस कैरियर वाइज अगर कहीं कुछ जीत हासिल करनी है तो वो भी जीत लें, इसके बाद आपको प्यार भरा कप ऑफर करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपको ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपसे मैरिज करने का इरादा है इनका, ठीक है, आपके रिगार्डिंग अगर कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो ये वो भी ले रहे हैं, कहीं अगर फंसे हुए हैं ये चीज़ हो सकती है कि इनका, अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ऑलरेडी एक मैरिड हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो ये वहाँ फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये एनर्जी है, किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, तो ये वहाँ से भी चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं कैसे क्या हो सकता है, ठीक है, फंसे हुए हैं अभी यहाँ पे, जगलिंग है, जगलिंग इनकी इसी चीज़ पे, या तो इनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो शादी ब्याह की तरफ से आपकी तरफ से हुआ हो या फिर किसी और वजह से हुआ हो,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़े से एंगर इश्यूज भी हैं, पावर में ये आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये फैमिली से आपको लेकर के दूर जा सकते हैं कि कहीं दूर रहेंगे चल के, ना फैमिली ना आप लोग सामने पड़ोगे, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, खुद को बहुत आपके लिए कमिटेड फील करते हैं बट डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं बिकॉज ये आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। द फुल केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं बट इनकी प्लानिंग सारी जो हो रही है फेल हो रही है। सेकेंड चीज़ ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी चीटिंग इन्होंने की है, उसके बाद चीज़ें सही होंगी भी तो कैसे होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी तरीके का कर्मा आपके पर्सन को ज़रूर मिला है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, किसी और रिलेशनशिप को इन्होंने ज़्यादा वरीयता दी और उस इंसान ने इनसे फ्लर्ट कर रहा है वो इंसान, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवर करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैच्योर वुमेन, या तो आप खुद एक मैच्योर वुमेन हो सकते हो, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, तो आपके पर्सन आपसे कुछ, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ, आपको उनको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इन्हें बहुत प्रोटेक्टिव फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है जब भी ये आपके साथ में होते हैं और आपकी एडवाइस की इनको बहुत ज़रूरत महसूस होती है और आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत मैच्योर वुमेन हैं और आप इनको हेल्प आउट कर सकते हो चीज़ों में, जीवन के किसी क्षेत्र में, चाहे वो सलाह देना हो, चाहे वो पैसा देना हो, कहीं से कहीं सपोर्ट, इन्हें कुछ ना कुछ आप में अच्छा ज़रूर दिखाई देता है, इसीलिए आपके साथ बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कोर्टशिप की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी की एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, ये भी चीज़ है। ये चाह रहे हैं कि हमारे मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में एक दोस्ती हो जाए, एक फॉर्मल मीटिंग, या तो ये कह सकते हैं कि चलो हम मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ बोल सकते हैं जहाँ ये कह सकते हैं कि आप ना तो मेरे से कोई कमिटमेंट की उम्मीद करो मुझसे, ना ही मैं तुमसे कोई कमिटमेंट मांग रहा हूँ या दे रहा हूँ, ठीक है। तुम हम लोग दोनों बस साथ में रहते हैं, साथ मिलके कोई काम कर लेते हैं, जस्ट एज ए फ्रेंड, मतलब जस्ट फ्रेंड का वाली एक फॉर्मल एक मीटिंग टाइप की कर लेते हैं, मिलना चाहते हैं ये आपके साथ। फोर नंबर, ठीक है, यहाँ पे सिक्स नंबर है हम लोग। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी और बहुत धुआंधार धमाकेदार सक्सेस आपको मिलने वाली है। 16 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, इस वक्त आप लोगों के सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं पूरी तरीके से, आपके भी और आपके पर्सन के भी, ठीक है। तो आपको इनको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आज का तो मैंने मूलाधार चक्रा तो डाला हुआ है, बाकी सारे चक्रास भी हम बहुत जल्दी ही उनकी सीरीज़ लेकर के, मतलब सीरीज़ ले आए हैं, तो बाकी के चक्रास के लिए भी हम वीडियो जल्दी जल्दी डालेंगे। अभी आप लोग बटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, दिमाग कहीं जा रहा है, दिल कहीं जा रहा है, बाकी शरीर कहीं जा रहा है वाली कंडीशन है, कुछ भी सिंक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि थोड़ा सा आपको एक तो सक्सेस तो मिलने वाली है, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है, उससे पहले खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी आप बटा हुआ महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबू, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली फाइव कार्ड्स बाबा जी। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मुझे मनाओ आके, अगर ये गुस्सा है तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको जाके मनाओ, ठीक है। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे एफर्ट किए हैं बट आप नहीं मान रहे हो, तो अब ये इस बात को लेकर के जिद करके बैठे हो कि तुम मुझे मनाओ आके, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा ऊटपटांग झूठ झाट बोल दिया हो आपसे, जिसकी वजह से आप बहुत चिढ़ गए हो, गुस्से में आ गए हो या आ जाते हो, तो इनकी फ्रिक्वेंटली आदत है आपके लिए कि इन्हें मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोलना जिससे कि आप चिढ़ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव यू, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और यहाँ पे भी लव यू की एनर्जी है, प्यार तो करते हैं ये आपसे, ठीक है।
लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं रही, यही क्लैरिटी वो आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, उनके लिए कुछ भी करते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, बट अब शायद आप ऐसा नहीं करते हो, तो इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम लोगों को अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही हैं। पूछना चाहते हैं इनडायरेक्टली वो आपको कि क्या मतलब अभी भी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर हैं या नहीं है। आई डोंट लाइक यू, आपके पर्सन कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू। क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप इन्हें मना नहीं रहे हो, इसलिए। चलो फिर भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। व्यूअर्स के पर्सन क्यों कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू? फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए, क्यों है भाई? हाँ जी, आप इनकी विश पूरी नहीं कर रहे हो, आप इनको मना नहीं रहे हो, आप इनकी बातें नहीं मान रहे हो। जो भी इन्होंने कुछ डिमांड अगर आपसे किया है तो आप वो डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ। या फिर इनकी जो कोई भी इन्होंने अपनी डिमांड रखी हो, किसी भी तरीके की है कोई डिमांड ज़रूर इन्होंने लगाई है जो आप मान नहीं रहे हो, ठीक है? तो इस वजह से ये आपको बोल रहे हो, वेटिंग में एनर्जी में ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है? कुछ इन्होंने डिमांड किया होगा आपसे। चलिए अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। आउल आया है, पैसा बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइन एंड ओमेंस फ्रॉम देम। यस, आपके आसपास अभी आज या कल में ही एक रीडिंग आई थी जिसमें आपके डिवाइन आपसे ये कह रहे थे कि वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, बट आप सिग्नल कैच नहीं कर रहे। तो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स या तो आप हीलिंग टेक्निक की यूज़ नहीं कर रहे हो, खुद को आप हील नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रीडिंग्स देख रहे हो, रीडिंग के ही दम पे आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं तो आपको गाइडेंस सुननी भी पड़ेगी, उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा। और अगर आप स्पिरिट गाइड्स अगर आपको आसपास हैं आपके, ठीक है, डिवाइन और एंजल भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, पर शायद आप उनको कैच नहीं कर रहे हो अपनी लापरवाही की वजह से, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सिग्नल्स को सही ढंग से कैच करो, ठीक है? आपके एंसेस्ट्रल जो भी आपके पूर्वज इस दुनिया से चले गए हैं वो कुछ गाइडेंस आपको ऑफर कर रहे हैं जिसको आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो वहाँ पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है? अटेंशन दो उस चीज़ पे, कुछ खास है जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।